आप देख रहे हैं दैनिक दिल्ली न्यूज। नमस्कार, स्वागत करती हूं आपका दैनिक दिल्ली न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अंशु। चलिए रुक करते हैं खबरों का। रायसेन में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत के बाद परिजनों को मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भटकना पड़ रहा है। जिला अस्पताल और नगर पालिका के चक्कर काटने के बावजूद मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा है। नगर पालिका अधिकारी के मुताबिक अप्रैल और मई में 54 मरीजों का कोविड गाइडलाइन के तहत अंतिम संस्कार किया गया था, लेकिन जिला अस्पताल में डेथ ऑडिट होने पर 23 लोगों की मौत कोरोना वायरस से नहीं होना माना गया है। अब मृतक के परिजन जिला अस्पताल में कोरोना से मौत का प्रमाण पत्र बनवाने के भटक रहे हैं। गौरतलब है कि कोरोना महामारी से मौत होने पर परिजनों के 1,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। एडमिट किया गया था जिला हॉस्पिटल में, पर उनकी मृत्यु कोविड से हुई थी। सीटी स्कैन में भी कोविड आया गया था, बट हॉस्पिटल वालों को कहना है कि कोविड उनको नहीं था और वो डेथ सर्टिफिकेट पे भी कोविड लिखने को तैयार नहीं है, जबकि उनकी मृत्यु कोविड से हुई गई थी और सीटी स्कैन में भी कोविड था ऐसा डॉक्टर ने बोला था और उनका इलाज भी कोविड के थ्रू हुआ था। बट हॉस्पिटल वाले मुझे सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं कोविड का, वो कहते हैं हम लिख के नहीं देंगे, नॉर्मल सर्टिफिकेट देंगे। ये दिक्कत है कि मैं उनका कोविड डेथ सर्टिफिकेट नहीं ले पा रहा हूँ। कोविड डेथ सर्टिफिकेट नहीं ले पाऊंगा तो मैं आगे की कार्रवाई, जो मुझे बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो नहीं मिल पाएंगे मुझे। आप देख रहे हैं दैनिक दिल्ली न्यूज़।